हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरगोश कितने महीने का होता है जब बच्चे देता है, और एडल्ट होने के बाद कितने दिन में बच्चे देता है, यानी कि मादा खरगोश जो है वो कितने दिन में बच्चे दे देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन दोनों सवालों के जवाब जानने हैं तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दोनों सवालों की तरफ। तो सबसे पहला हमारा सवाल था कि खरगोश कितने महीने का होता है तब बच्चे देता है। तो इसका एक्यूरेट तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, खरगोश जब 5 महीने का होता है तो 5 महीने से ही खरगोश अडल्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि खरगोश 5 से 8 महीने का होते होते बच्चे देना शुरू कर सकता है। वैसे खरगोश से बच्चे लेने का सही समय 8 से 9 महीने का समय सबसे अच्छा समय होता है। इससे पहले अगर आप मादा खरगोश से बच्चे लेते हैं तो वो कमज़ोर हो सकती है और बीमार भी हो सकती है। इस कंडीशन में वो अपने बच्चों को सही से दूध जनरेट नहीं कर पाएगी और इस तरह आगे चलकर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मादा खरगोश से बच्चे लेने का सही समय 8 से 9 महीने का ही सही समय होता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सवाल की तरफ कि मादा खरगोश कितने दिन में बच्चे देती है। तो मादा खरगोश 28 से 32 दिन में बच्चे दे देती है। कुछ कंडीशन में जैसे नर खरगोश और मादा खरगोश को अलग न किया जाए, या फिर आपकी मादा खरगोश कमज़ोर है या फिर बीमार है, तो इस कंडीशन में 28 दिन से पहले भी बच्चे दे सकती है। लेकिन उस समय यानी 28 दिन से पहले दिए हुए बच्चे पूरी तरह हेल्दी नहीं होते हैं और कभी कभी तो मरे हुए भी बच्चे होते हैं। तो कोशिश करें कि मादा खरगोश को बच्चे देने से कम 15-20 दिन पहले ही नर खरगोश से अलग कर दें। प्रेगनेंसी में मादा खरगोश की केयर कैसे करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों, आप ये वीडियो जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।